हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश आपको स्वागत करता हूँ दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज जो है फिजिक्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके पास लेके आया हूँ, क्योंकि सामने आपका साइंटिफिक असिस्टेंट भी है और बहुत सारा SSC MTS है, ACIO है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। तो चलिए देख लेते कुछ 25 क्वेश्चंस फिजिक्स का। तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच इंस्ट्रूमेंट यूज़ फॉर फाइंडिंग आउट विंड डायरेक्शन। हम लोग जो विंड का डायरेक्शन है, कौन सा दिक है, नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट, उसको हम लोग डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, दैट इज विंड वेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वाई इज व्योफोर्ट स्केल यूज़, क्यों हम लोग व्योफोर्ट स्केल को यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हम लोग क्या मतलब विंड का वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है विंड का, वो मेजर करने के लिए हम लोग व्योफोर्ट स्केल जो है यूज़ करते हैं दोस्तों। अच्छा, व्हाट डिनोट्स द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर क्या डिनोट करता है, वो केल्विन स्केल में 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री सबसे स्मॉलेस्ट टेम्परेचर डिनोट करता है। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल में कब सेम वैल्यू रहता है, तो दैट इज़ -40 डिग्री में दोनों ही जो है सेम स्केल शो करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर ऑफ स्पेक्ट्रम डिपेंड अपॉन विच थिंग। अगर आप दो स्पेक्ट्रम, दो कलर का स्पेक्ट्रम है, उसका अगर एंगुलर सेपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एंगल ऑफ डिविएशन, कौन कितना डिविएट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज पॉसिबल व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम विच थिंग। जब वाटर से एयर की तरफ जाएगा तब उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है लाइट का दोस्तों। अच्छा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्कालाइन्स इज नोन एज। अगर आप एल्कैंस को थर्मल डिकम्पोज करेंगे, माने उसको नष्ट करेंगे, तो वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड क्रैकिंग, उसको हम लोग क्रैकिंग बोलते हैं। ठीक है, व्हिच एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एब्सोल्यूट जीरो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्सोल्यूट जीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्मी एनर्जी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। हम लोग जो विजिबल स्पेक्ट्रम है उसका वेवलेंथ अब कितना है, दैट इज 3900 से 7600 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, वी कैन नॉट सी ड्यूरिंग अ फॉग, फॉग जब होता है हम लोग क्यों नहीं देख पाते, बिकॉज क्या होता है, उसका आपका जो लाइट है वो स्कैटर होकर रहता है, उसीलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट विल बी इफ अ पेंडुलम क्लॉक बी टेकन फ्रॉम अर्थ टू रिवॉल्विंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब अर्थ से लेके आप कोई भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लेके जाएंगे तो काम ही नहीं करेगा, इट्स स्टॉप टुगेदर। ठीक है, व्हिच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम डायमेंशन, तो किस फिजिकल क्वांटिटी का सेम डायमेंशन है, तो देखिए मोमेंटम एंड इम्पल्स का सेम डायमेंशन है। ठीक है, अच्छा, हु फर्स्टली डिमोन्स्ट्रेटेड एक्सपेरिमेंटली द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो हर्जे ने किया था, वो पहला बार जो है डिमोन्स्ट्रेट किया गया था। अच्छा, हीटिंग पाइराइट्स इन एयर टू रिमूव सल्फर इज नोन एज व्हिच नेम, उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, बाई व्हिच इम्पैक्ट इज न्यूक्लियर फिशन इज कॉस्ट। न्यूक्लियर फिशन क्यों क्यों होता है, न्यूक्लियर का इम्पैक्ट से न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के इम्पैक्ट से न्यूक्लियर फिशन होता है दोस्तों। अच्छा, व्हिच लेयर ऑफ द अर्थ जहाँ पे हेवीएस्ट मिनरल मिलता है, वो है सेंट्रल कोर। ठीक है, सेंट्रल कोर में। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हेन मिल्क इज चर्न्ड हाउ डज द क्रीम सेपरेट, वो क्यों होता है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स में, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स के लिए होता है। अच्छा, साउंड ट्रेवल फर्स्ट इन व्हिच थिंग, सबसे ज़्यादा साउंड का इसमें करता है आयरन देन इन ईयर, आयरन में ज़्यादा साउंड फास्ट करता है देन की इन ईयर। ठीक है, व्हिच रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर थ्री, ऑप्शन रहेंगे, तो देखिए अगर लैंड उसमें स्नो है तो उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है, ब्लैक ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो स्नो जो है ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। व्हाट मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो वेक्टर, तो तीन चाहिए होता है, तीन तीन लगेगा। व्हिच मिरर यू यूज टू ऑब्टेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मॉल लैम्प, तो अगर आपको कौन सा मिरर यूज़ करना है पैरेलल बीम के लिए, तो वो कॉनकेव मिरर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ अ सेमी कंडक्टर राइज, तो उसे रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टिविटी कम जाएगा दोस्तों। MHO किसका यूनिट है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का है। और इन विच क्लाइमेट डज द टेम्परेचर नेवर राइज अबव 10 डिग्री थ्रू आउट द ईयर, कभी 10 डिग्री से नहीं बढ़ता है, दैट इज तुंद्रा क्लाइमेट। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, IB के लिए भी है, SSC के सब एग्जाम पे लिए है, क्योंकि MTS एग्जाम है कुछ दिन में ही। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल दिन गुड बाय।